सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है। आज हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ज्योग्राफी यानी भूगोल के 170 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनमें से ये वही क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में आ चुके हैं और एग्ज़ाम में आने वाले भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे जो पूर्वी राज्य होगा वो हमारा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी है वो गुजरात है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, तो बड़ा नहीं है की बात करें तो ये फ्रांस है ना, ये बड़ा नहीं है। ठीक है, रूस है, कनाडा है, ब्राज़ील है, ये जो फ्रांस है ये सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, नहीं यानी कि भारत से बड़ा नहीं है। भारत से बड़े कौन से, इम्पॉर्टेंट ये है, भारत है। देखो, रूस वह है, कनाडा है, ब्राज़ील है। ठीक है, सातवें नंबर पर भारत आता है, पहले नंबर पर रूस आता है, पहले पर रूस आता है, दूसरे पर कनाडा आता है, तीसरे पर चीन आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, इसके बाद में ब्राज़ील आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच में ये स्थित है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ है? तो बड़ा लाचाला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिपकिला, बड़ा लाचाला, रोहतांग की एक दर्रे जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा, देखिए तुजू दर्रा की बात की जाए तो ये तुजू दर्रा है, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर, और ये दक्षिण पूर्वी म्यांमार की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा है, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, और ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम पर्वतमाला, ये कहाँ है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 15,397 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, कितनी है? 15,397 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंक यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा जो पृथक किया जाता है वो है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये मालदीप जो है, मालदीप लक्षद्वीप, ये कौन सा? ये 9 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, राम सेतु किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राम सेतु जो है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, राम सेतु, एडम ब्रिज, एडम ब्रिज किन देशों के मध्य? भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बलियों और प्रवाल भित्तियों से बना है? तो ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप, ये अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप बलियों और प्रवाल भित्तियों से बना है। लक्षद्वीप इसको और क्या कहते हैं? इसे पॉलिप्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पॉलिप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है? तो ये जो सीमा साझा करती है, तो 7 स्थलीय देशों के साथ सीमा साझा करती है, जिनमें 7 देश कौन कौन से हैं? देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार,
और बांग्लादेश, ये चार सात देश जो हैं, ठीक है, सात देशों के साथ इस स्थलीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है? तो इनमें से जो पास हो जाएगा सबसे नजदीक है वो कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? सुदूर पश्चिम बिंदु की बात करी जाए तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, ये गुजरात, ठीक है, गुजरात ये है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो सिक्किम जो घिरा हुआ है, सिक्किम की अगर बात करें तो देखिए ये चीन, चीन से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान, चीन नेपाल भूटान, कहाँ है, चीन नेपाल भूटान और पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, चीन नेपाल भूटान और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, सॉरी, चीन नेपाल भूटान पश्चिम बंगाल और असम, असम तो इसमें है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये वाला ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो वो लिया जाता है इलाहाबाद के नैनी से, उत्तर प्रदेश का जो शहर है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का जिला इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है भारतीय मानक समय, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है, तो सीमा निर्धारित की गई है वो किसके द्वारा? रेड क्लिप के द्वारा, जिसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं, ठीक है, ये मैकमोहन रेखा है, ये भारत चीन की है, डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान की है, ठीक है, ये जो मैगी नॉट रेखा है ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है? देखिए कर्क रेखा के जो निकटतम है वो है आइजोल, ठीक है, इसके पास में आइजोल के पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो किस प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो नेपाल भूटान और चीन से मिलती हैं? तो चीन से मिलने वाली जो सीमा है वो है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की सीमा नेपाल भूटान एवं चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है, ये बेंगलुरु है दिल्ली के, जो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, ठीक है, 77.2 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पूर्णतः जैविक बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है, पूर्णतः जैविक बनने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलने वाली जो नदी है वो कृष्णा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश रेंज से होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कैलाश रेंज से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का वो माजुली नदी द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बांग्लादेश में किस नदी की जलधारा का नाम पद्मा है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था? तो ये अंगारा लैंड, यानी अंगारा लैंड का एक ये अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकलेश्वर और कालोल दो तेल क्षेत्र हैं, ये कहाँ के हैं? तो अंकलेश्वर और कालोल, कालोल ये दो तेल क्षेत्र हैं, ये गुजरात के तेल
तेल क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो ये पवन द्वारा अपरदन, नहीं पवन द्वारा अपरदन नहीं, पवन द्वारा निक्षेपण। ठीक है, पवन के द्वारा निक्षेपण, इसमें टीले बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो दो देशों से लगती हैं, सॉरी तीन देशों से लगती है। वो तीन देश कौन कौन से हैं? अब अगर बात करें तो पूरब में तो बांग्लादेश हो गया, पूरब में बांग्लादेश है, और उत्तर में भूटान है, और पश्चिम में नेपाल है। तो तीन देशों से लगती है, कौन कौन से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये पंचशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? जो डंकन पैसेज है वो किसके बीच में स्थित है? तो ये करता है उत्तरी और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से तो ये भारत और अफगानिस्तान जुड़े हैं। कौन से? भारत और अफगानिस्तान जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी है ये जो ये स्थित है जहाँ पर राष्ट्रपति का भवन है। ठीक है, दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो कौन सा हो जाएगा हमारा देश? तो वो हमारा राज्य है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा सातवां देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। नाथुला, तो नाथुला ये जो है ये सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, देहरादून ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये तो कहाँ? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ ये कहाँ स्थित हैं? तो नागा खासी गारो पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वांचल पर्वतमाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? यानी कौन सा जिला है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो वो है हमारा किन्नौर जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऊधम सिंह नगर जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तरांचल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो जो सिलिकॉन वैली है उसको हम क्या कहते हैं? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो इम्फाल बेसिन है ये किसका? इम्फाल बेसिन है ये सुंदर उदाहरण किसका है? तो ये सुंदर उदाहरण है हिम नदी मैदान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो है वो है अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत है ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो रेजिड्यूल यानी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वो है अरावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है वो कौन सा? वो सतपुड़ा श्रेणियां हैं। सतपुड़ा श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन सा है? तो कार्डमम जो पहाड़ियां हैं वो केरल एवं तमिलनाडु की
सीमा पर स्थित है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है उसकी बात की गई है। ये जो बालाघाट श्रेणी है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी तो वो कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचा है वो है हिमालय, ठीक है, ये भारत की केटू गार्डविन ऑस्टिन, और जो हिमालय है वो कहाँ है, वो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में कौन सा पर्वत जो है वो नहीं है, ठीक है, ये गोसाई थान जो है ये भारत में स्थित नहीं है, कहाँ है, ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में एक चोटी है जो कौन सी स्थित नहीं है, तो वो गुरला मंधावा मंदाता, ये भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है वो कौन सी है। तो कुल्लू घाटी जो है वो स्थित है, तो कुल्लू घाटी है ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये नीलांग घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, नीलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो ये है जो खैबर दर्रा, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, ठीक है। थालघाट, बोरघाट और पालघाट, ये तीनों पश्चिमी घाट में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो जोजिला दर्रे से होकर लेह जाया जाता है, जो श्रीनगर से लेह मार्ग को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है वो गंगोत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो सबसे विशालतम हिमनद जो है वो सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। तो कुमायूं क्षेत्र में कौन सा हिमनद स्थित है। ये जो मिलाम हिमालय है, मिलाम हिमनद है, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार भाग है वो पूर्वी घाटों घाट पर्वतों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में स्थित है, सॉरी, ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में है, ठीक है। वैसे तो ये चार छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो वो औसत समुद्र तल नापा जाता है, ये मुंबई से मापा जाता है, कहाँ से, मुंबई से औसत समुद्र तल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का क्या विस्तार है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है वो तट से 12 समुद्री मील तक है। कितना, तट से 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो ये जो कोरोमंडल तट है ये कृष्णा डेल्टा एवं कोप कमोरिन के मध्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से जानते हैं, ठीक है। कोंकण या दक्षिणी मालाबार भी कहते हैं इसे, तो वैसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो चोटी है सैडल पीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, देखिए 10 डिग्री जो चैनल पृथक करता है वो अंडमान और निकोबार को द्वीप को पृथक करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरन द्वीप अवस्थित है, तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो बैरन द्वीप है ये अंडमान में निकोबार में स्थित है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये लगभग पोर्ट ब्लेयर के समीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम सेतु शुरू होता है तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो ये धनुषकोडी यानी रामेश्वरम से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप है, ये एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो ये जो मिनिकाय है ये भारत के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कोरी क्रीक तो ये कच्छ क्षेत्र में स्थित है, कच्छ केरल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा चौथा, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है? देखिए जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। और अगर इधर देखें बिहार, ठीक है, तो बिहार के साथ नहीं करती है। किसके साथ? बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करती है, उड़ीसा के साथ भी करती है और आंध्र प्रदेश के साथ भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो सोनभद्र जिले को चार राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, कितने? चार राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल, ईटानगर। मणिपुर की जो है वो आइजोल नहीं है, कौन सी? ये 23 नंबर, यानी सॉरी ये 23 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, मणिपुर की आइजोल नहीं है। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल, क्या है? इम्फाल राजधानी है मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो सबसे बड़ा जो संघ शासित प्रदेश है वो लद्दाख है, लद्दाख के बाद आएगा दमन और दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडुचेरी क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, पांडुचेरी जो क्षेत्र है वो किससे विभाजित पाया जाता है? तो पांडिचेरी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो ये तीन क्षेत्रों में, तीन प्रदेशों में विभाजित होता है, तीन राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा,
कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? ये थारू जनजाति जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये जो है गद्दी, गद्दी है ये धौलाधर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास किया करता है? ऋतु प्रवास किया करते हैं तो ऋतु प्रवास कौन किया करते हैं? ये भोटिया जनजाति है, ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि ये मौसम में, यानी कि दूसरी ऋतु में, यानी कि ऋतुओं में ये इधर उधर भागा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में पाई जाने वाली जनजाति जो है, केरल में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो डाफर, डाफर जनजाति है, ये केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, टोडा जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो ये जो टोडा जनजाति है ये बहुपति बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है? जो मुंडा जनजाति है ये सरहुल त्यौहार को मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है वो बोक्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बिहू असम का, ओणम ओणम आंध्र प्रदेश का, ये सुमेलित नहीं है, ओणम ये है आंध्र प्रदेश का नहीं, ये केरल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोई मूल निवासी नहीं है? ये जो सोमपेन है, सोमपेन ये अंडमान निकोबार द्वीप की जनजाति नहीं है, सॉरी ये सोमपेन तो है, एक मिनट, सोमपेन है और ये जो जनजाति आएगी रेंगमा, रेंगमा जनजाति है ये नहीं है। ठीक है, रेंगमा जनजाति आल्टू ऑन्जो सोमपेन ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जारवा जनजाति है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, झूमिंग करते हैं तो झूमिंग कौन करते हैं? तो झूमिंग जो करते हैं वो खासी, खासी ये झूमिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति है ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी उदाहरण है? तो गंगा नदी ये कौन सा उदाहरण है? पूर्ववर्ती, अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती, परवर्ती अपवाह, तो ये जो अनुवर्ती अपवाह है का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा जी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं, भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? जो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो जिसका उद्गम मैदान में है वो गोमती नदी है। ठीक है, जो कि पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो रामगंगा नहीं है। ठीक है, ये बेतवा, चंबल, केन ये सब यमुना की सहायक नदी है,
रामगंगा है, ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है वो है सोन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा जो है वो बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो भारतीय गंगा नदी का नहीं है वो, शायद पुनपुन नदी है। कौन सी? पुनपुन नदी है, सॉरी, ये जो जोंक नदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो ये छत्तीसगढ़ की नदी है, ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जोंक नदी है ये छत्तीसगढ़ की, ये सिंचाई के लिए ये निकाली गई नदी है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तर प्रदेश से जो प्रवाहित नदी नहीं होती है वो है गंडक नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, सॉरी, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, ये ब्रह्मपुत्र का है। तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, ये वाला ऑप्शन सही है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम बिंदु लगभग एक ही हैं? तो इनमें से ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम बिंदु लगभग एक ही हैं। ये सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। ठीक है, और ये भी तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो वो बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलने वाली नदी जो है वो आएगी कबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कावेरी नदी का उद्गम क्या है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल में है वो महानदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो जल ग्रहण क्षेत्र है वो महानदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सॉरी, ये गोदावरी नदी का जो है वो जल ग्रहण क्षेत्र है सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सभी श्रेणियों को जो काटती है वो सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? ये दूध गंगा नदी जो है वो किस में अवस्थित है? दूध गंगा जो है ये तो महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य में बहती है, और ये कृष्णा नदी की एक उप नदी है, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है?